करनाल में चल रहा ब्राह्मण महाकुंभ भाजपा और कांग्रेस जैसी दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दिए गए बयानों के बाद अब सुर्खियों में आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस धरातल पर अपनी पकड़ को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसी यात्रा के चलते कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा पहुंचे, जहां उन्हें कई अलग अलग मुद्दों पर तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। सुनिए इस दौरान एक पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जिस पर वो बुरी तरह झेप गए। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। दरअसल करनाल में चल रहे ब्राह्मण महाकुंभ में कुछ दिन पहले रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा की जुबान फिसल गई थी, जहां उन्होंने खुले मंच से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी से ब्राह्मणों को भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली थी। भाजपा सांसद ने कहा कि जैसे मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर सम्मान दिया है, वैसे ही हरियाणा में भी ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े पद दिए जाने चाहिए। हालांकि अरविंद शर्मा को जब तक इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या बोल गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने अपनी बात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री के हरियाणा में किए गए कामों की जमकर तारीफ भी की, लेकिन जब ब्राह्मणों को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर यही सवाल कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा से किया गया, तो सांसद जी पहले तो इधर उधर की बातें कर इस सवाल से बचने की कोशिश करने लगे और बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों के लिए किए गए एक के बाद एक कई काम गिनाने लगे। अलग अलग काम अलग अलग भी करते रह जाते हैं। धन्यवाद, सबसे अलग अलग कॉमन दे रहे हैं, कॉमन में ठीक है, कॉमन में एक और आपका ये हमारा पर्पज है, हम सारी लीडरशिप एक साथ अलग अलग हमें आप चलिए कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी हमारे सबसे नेता एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं, जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है वो यात्रा 21 तारीख 21 22 और 23 तीन दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुनका बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नू विधानसभा क्षेत्र में को कवर करते हुए नू कासेड़ा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी, जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्टर्न चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी, राहुल जी राजघाट जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में यूपी से होके यात्रा फिर पानीपत करनाल की तरफ हरियाणा में आएगी और कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए पंजाब चली जाएगी। तो उस यात्रा को लेकर पूरे कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस जनों में आम जनता में बहुत उत्साह है और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा हरियाणा में। उसी की तैयारी के लिए आज गुड़गांव के अंदर हमारी ये बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश में आपकी जीत हुई है, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद से चेंज होंगे हरियाणा? पिछले तीन चुनाव के नतीजे जो आए वो एक बदलाव की तरफ संकेत है। आदमपुर के अंदर कांग्रेस का अभूतपूर्व प्रदर्शन, आदमपुर में हर वर्ग के में वोट मिली, हम हर ऐसी बूथ पे जीते। चौधरी उदय भान जी द्वारा की गई दिन रात मेहनत, इनके करिश्माई नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, हम हर वर्ग की वोट हमें अर्जित हुई और 42% वोट ऐसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां कोई हमें चांस नहीं दे रहा था। उसके बाद पंचायत जिला परिषद के चुनाव के नतीजे जहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने सिरे से नकारने का काम किया, मात्र 5% वोट बीजेपी की आई, जो कि किसी भी सत्ता दल के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है, क्योंकि उन्होंने सिंबल दिए अपने सबसे जहां पे उनको मजबूत प्रत्याशी दिख रहे थे वहां सिंबल दिए और मात्र 5% वोट। उसके बाद अब हिमाचल में जो नतीजा आया है कांग्रेस के हक में नतीजा आया है, और केवल हिमाचल ही नहीं 8 प्रदेशों में चुनाव थे उपचुनाव और एमसीडी मिला के 8 में से 7 में बीजेपी हारी, केवल एक गुजरात, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं वो कारण रहे होंगे, गुजरात छोड़कर राजस्थान में उपचुनाव में हम जीते, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और आरएलडी का गठबंधन जीता बीजेपी हारी, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी हारी। तो भाजपा को 8 में से 7 प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ा।
अब नेताजी करते भी तो क्या, क्योंकि बात सीधी वोट बैंक की जो थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ राजनीति ही चलती रहेगी या फिर हरियाणा को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।